साथियों, ये अयोध्या जिला के खानापुला के अंदर की घटना है, जहाँ पे आज भी हमें दलित समाज को सताया जा रहा है। उनके हक की कोई बात करने वाला नहीं। ये सरकार आज भी जातिवाद का काम कर रही है। कल यहाँ पे एक महिला की करंट लगने से मृत हो गई थी, जिनका छोटा बेटा ये सामने खड़ा है। हमारे जिलाधिकारी साहब यहाँ पे आए थे और उन्होंने बताया कि आपको 5 लाख रुपये मुआवजा दिया जाएगा, जो कि एक्सीडेंटल मिलता है। लेकिन साथियों, ये मृत जो है बिजली विभाग और कृषि विभाग की लापरवाही से करंट लगने से मिली थी। वो महिला अपनी मजदूरी लेने के लिए कृषि फार्म पे गई थी, लेकिन उसे मजदूरी नहीं मिली। जब यहाँ पे सूचना मिली तो पता चला कि इसकी मृत हो गई है। और जब गांव के लोग वहाँ पे पहुँचे तो वो लाश भी वहाँ पे नहीं थी, उसकी लाश को घिरा के कहीं और पे कर दिया गया था। साथियों, आज भी ये सरकार जातिवाद के हिसाब से काम कर रही है, दलित समाज को उसका हक नहीं मिल रहा है। साथियों, आप बताइए भैया, क्या चाहते हैं आप, क्या मिलना चाहिए आपको? 25 लाख रुपये। साथियों, ये चाहते हैं कि कम से कम 25 लाख रुपये देना चाहिए और एक नौकरी, क्योंकि साथियों, अगर सरकार काम करती है तो उसको जातिवाद की तरफ से नहीं देखना चाहिए, सबको समान की नज़रों से देखना चाहिए। इनका ये कहना है कि इनको 25 लाख रुपये मुआवजा और एक सरकारी नौकरी इनके बड़े भाई को मिलनी चाहिए। और जिलाधिकारी साहब ने इनको रिपोर्ट दिखाने के लिए भी मना किया है। उन्होंने कहा है कि अगर आप रिपोर्ट लिखवाएंगे तो आपको जो 5 लाख रुपए मुआवजा मिलना है वो भी नहीं मिलेगा।